नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत द्विवेदी डिलिजेंस के क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और मैं फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके। जैसा कि आज आप सबने देखा होगा कि एएलपी के आंसर की आ गई है, यानी ग्रुप सी की, आरआरबी ग्रुप सी के आंसर की आ गई है। जिन बच्चों के अन्य आंसर अभी तक मैच नहीं किए हैं तो वो मैच कर लें। अगर मान लीजिए आपको प्रॉब्लम हो रही है साइट खुलने में तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लें, और वो साइट बिजी चल रही है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। ज़्यादातर बच्चे मैच कर रहे हैं इसलिए आपके साइड से खुलेगी, हालांकि सर्वर पहले से काफ़ी बेहतर रेलवे का। सो बात करने वाले हैं आज हम लोग एएलपी यानी लोको पायलट और टेक्नीशियन और पीसीएम ग्रुप के बच्चों की कट ऑफ, स्पेडर कट ऑफ कितनी होगी। सो चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि असिस्टेंट लोको पायलट या किसी वैकेंसी की जो कट ऑफ होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें वैकेंसीज कितनी है, यानी उसमें नंबर ऑफ सीट कितनी पड़ी है। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं लोको पायलट में, टेक्नीशियन में और पीसीएम में सीट कितनी थी और कैटेगरी वाइज की उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। मैंने बहुत सारे बच्चों से संपर्क किया और उनके मार्क्स देखने के बाद तब ये वीडियो मैं आपको आपके लिए लेकर आया हूँ। सो इसमें मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैक्सिमम एक्यूरेसी रह सके, जिससे आप सब एकदम निश्चिंत हो सकें कि इस बार कट ऑफ कितनी जाने वाली है। चलिए बिना समय बात किए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट की, असिस्टेंट लोको पायलट में की कट ऑफ कितनी जाएगी। जैसे असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी में आप देख पा रहे हैं टोटल सीट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 27,000 प्लस सीटें दी गई हैं, यानी इस बार जो लोको पायलट में सीटें थी वो 27,000 प्लस सीटें दी गई थी। और अगर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात करें तो चूंकि सीटें ज़्यादा हैं इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। इसकी कट ऑफ लगभग अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 के आसपास, अगर आप यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप 40 से 45 आपके लिए मिनिमम स्कोर, सेफ स्कोर माना जा रहा है जो अभी तक के बच्चों ने बताया है। या मान लीजिए अगर बहुत बढ़ता है तो एक या दो नंबर बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं इसलिए कट ऑफ इसके कम जाएंगे। और ओबीसी की बात करें, ओबीसी की कट ऑफ लगभग 38 से लेकर 42 के आसपास आपकी जाने वाली है। और इसी हिसाब से एससी एसटी की बात करें तो लगभग 35 नंबर के आसपास इनके लिए सेफ स्कोर रहेगा। चूंकि ये मैं आपको पार्ट फर्स्ट के लिए बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए पार्ट बी में, यानी पार्ट बी जो हुआ था उसमें आप सबको पता है कि क्वालिफाइंग नंबर 26 कुछ के आसपास आपके क्वालिफाइंग मार्क्स थे, वो आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है, उसमें आपकी कोई भी छूट नहीं होने वाली। लेकिन जैसे बहुत सारे बच्चों ने अभी तक मुझे बताया कि उनके सेकेंड पेपर में कुछ एक नंबर दो नंबर से वो रुक रहे हैं, तो अभी बात आ रही है नॉर्मलाइजेशन की। जैसा कि आप सबने देखा था कि पार्ट फर्स्ट में, यानी जब सी बी टी फर्स्ट हुआ था तो उसमें नॉर्मलाइजेशन के थ्रू बाद में बच्चों को इंक्लूड किया गया था सेकंड मेरिट लिस्ट में, तो उसके तहत जो अब इस बार क्या नॉर्मलाइजेशन होने के चांस हैं, तो याद रखिएगा बेटा नॉर्मलाइजेशन तभी होगा जब आपकी सीटें वैकेंट रहेंगी। यानी मान लीजिए अगर 20 जो मिनिमम मार्क्स हैं उसके, अगर उसने मिनिमम मार्क्स पे सीटें फुल नहीं हुई तब आपके लिए नॉर्मलाइजेशन दोबारा किया जाएगा, यानी उसके नंबर बढ़ाए जाएंगे कुछ ना कुछ, तो अदरवाइज चांसेस बहुत कम है। वैसे कि अभी ज़्यादा सुनाई पड़ रहा है कि कुछ बोर्ड ने ऑलरेडी ये अनाउंस कर दिया है पब्लिकली कि वो नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तो इसलिए उसके बारे में बहुत कुछ कहना मुश्किल है। तो फर्स्ट ये पार्ट ए की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, पार्ट ए में लगभग आपके सेफ स्कोर ये रहेंगे और पार्ट बी में आपको मिनिमली 26 कुछ पाना वो तैयार, या जानिए कि आप 27 से अगर कम पाते हैं तो आपकी नौकरी मिलना मुश्किल ही मुश्किल है। बात करते हैं आगे टेक्नीशियन की। देख पाइए टेक्नीशियन में आप देख पा रहे हैं कि 36,000 प्लस सीटें आप खुल दी गई थी, तो इसमें भी सीटें बहुत ज़्यादा है इसलिए इसकी मेरिट बहुत ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है, इसकी मेरिट लो जाएगी। ऐसा मैंने आपसे पहले बताया, अगर सीटें ज़्यादा होती हैं तो मेरिट लो जाता है। तो अगर जनरल की बात करें तो जनरल में भी लगभग आपके वही 45 के आसपास सेफ स्कोर होगा, यानी 45 से 48 के बीच में ही लगभग इसमें भी रहेंगे, और 40 से 42 के आसपास इसमें भी लगभग ओबीसी कैटेगरी के लिए, और एससी एसटी आप 38 से 40 मान लीजिए, 38 से 40, तो लगभग जनरल कैटेगरी में आप अगर आते हैं तो खुद को 45 से 48 के बीच में सेफ पाएंगे आप, अदरवाइज ओबीसी में 40 से 42 के बीच में, और एससी एसटी लगभग 38 के आसपास, यानी लीजिए कि अगर आप 38 के आसपास हैं तो आपके सेफ जोन माने जाएंगे। इसी हिसाब से जैसे नॉर्मलाइजेशन उसमें मैंने आपको बताया लोको पायलट में, सेम कैटेगरी में आपके टेक्नीशियन में भी वही शर्तें लागू होती हैं कि अगर सीटें वैकेंट रहेगी तो नॉर्मलाइजेशन होगा। चलिए अब बात करते हैं फाइनली जिनके लिए बहुत ज़्यादा दुविधा बनी हुई है, यानी पीसीएम 10+2 ग्रुप के बच्चों के लिए, जो जिनका स्कोर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रहने वाला है। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि मिनिमम सबसे कम सीट केवल पीसीएम ग्रुप वालों के लिए, यानी 5200 सीटें हैं केवल पीसीएम ग्रुप के लिए। तो इसके बारे में बात करें जनरल कट ऑफ की, तो जनरल कट ऑफ इसका मैक्सिमम जाएगा, और इसका जो अभी तक के बच्चों ने मुझे अपने अपने नंबर भेजे हैं वो लगभग 58 से 64 के आसपास जाएंगे, इससे कम जाने की चांसेस बहुत ही कम हैं, लगभग 58 से 64, क्योंकि जो एवरेज स्कोर हमने देखा बच्चों का वो लगभग जो 60 हैं, 61 हैं, 62 इस
इस तरीके से नंबर वो स्कोर कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो 70 का आंकड़ा पार कर पा रहे हैं। तो एक एवरेज डे जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो 58 से 64 के आसपास आपके स्कोर रहने वाले हैं। और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में 55 से लेकर 58 तक का स्कोर। याद रखिएगा इस बार ओबीसी जनरल में इसमें बहुत कम अंतर रहने वाला है। और एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी, हाँ एससी कैटेगरी में लगभग आपका डिफरेंस रहेगा और ये 50 के आसपास के सेफ स्कोर माने जाएंगे। सो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो अपने आप को 60+ यानी 60 नंबर अगर आप पाते हैं तो 60 नंबर या 60 नंबर प्लस हैं तो आप सेफ स्कोर मानिएगा। और ओबीसी में आते हैं तो लगभग आप 57 या 55 के प्लस रहेंगे तो आप सेफ स्कोर हैं। और एससी एसटी में आप आते हैं तो 50 के आसपास हैं तो आप अपने आप को सेफ स्कोर मानेंगे। सो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि तीनों की तीनों वन बाय वन असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन और पीसीएम ग्रुप के बच्चों के लिए हमने आपको सीट वाइज बेहतर एनालिसिस अपनी तरफ से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और आशा करते हैं कि जो कट ऑफ जाएगी वो इसी के आसपास रहेगी। और आप अपने नंबर, आपने कितना स्कोर किया है दोनों में यानी पार्ट ए पार्ट बी में, मुझे सेंड कीजिएगा तो मैं प्रयास करूँगा कि और इसे बेहतर किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे तेज सबसे पहले मैं हम आपको अपडेट्स पहुँचाएँ।